दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जहाँ ऑल्सो होलिस्टिक एंड बिजनेस एग्जीबिशन मैनेज्ड बाय फ्रेंचाइजी बता हो रहा है। आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या आपको खास मिलने वाला है, यहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये होलिस्टिक एग्जीबिशन है, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड, उनसे जुड़े हुए बिजनेसेस, आपको जेम्स माइंस, आपको जेम्स स्टोन में आपको अगर रुचि है, आपको और किसी ऐसी चीज़ों में रुचि है जो होलिस्टिक से संबंधित है, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। आइए हम देखते हैं यहाँ पर अंदर चलकर कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको दिखा दूँ ये जो इवेंट रखा गया है, ये इवेंट ग्लोरिया वेंकट YMCA में रखा गया है। ग्लोरिया वेंकट YMCA जो अपने आप में एक ब्रांड नेम है, अपने आप में एक माइलस्टोन है, वहाँ पर इस पूरे इवेंट का आयोजन किया गया है। और इस इवेंट के आयोजन करता है कार्तिक रावल जी। जी हाँ दोस्तों, ऑल्सो ग्रुप के फाउंडर है, जो एक प्लेटफॉर्म है, एक मैं ये कहना चाहूँगा एक ऐसा उन्होंने मंच दे दिया है देश के सभी होलिस्टिक पर्सनैलिटीज़ को, जहाँ पर उनको बिजनेस भी मिलता है, जहाँ पर उनकी नेटवर्किंग भी होती है, और साथ ही साथ उनको उससे जुड़ी हुई सारी एंड टू एंड सर्विसेज भी मिल जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे जब अंदर आएंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा इवेंट शुरू हो चुका है। यहाँ से आपको कंप्लीट 2x2 के पहले आपको ये सारे के सारे डेस्क दिखाई देंगे, काउंटर से यहाँ पर 2x2 के, जहाँ पर आपको देश विदेश से आए हुए बहुत सारे अलग अलग वास्तु न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ जड़ी बूटी वाले लोग भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर एक आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। सो ये जो थी ये गैलरी थी, ये गैलरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गैलरी के दोनों ओर 2x2 के स्टॉल्स थे। अब यहाँ पर आपके मेन गेट से एंट्री होती है, तो जो एंट्री होने के बाद गैलरी में 20 स्टॉल थे, यहाँ पर तकरीबन 80 से 100 स्टॉल्स हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सारे स्टॉल्स नज़र आएंगे, और उतने ही आपको स्टॉल्स आपको राइट साइड में नज़र आएंगे। आइए हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत करने की और जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा इस एग्जीबिशन में, और साथ ही साथ ऐसे एग्जीबिशन होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस बारे में भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। होलिस्टिक एंड बिजनेस एग्जीबिशन बाय फ्रेंचाइजी बताओ, और आज मैं आपको एक टूर करवा रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ लगे हुए हैं। अगर मैं आपको अपने राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि इस हॉल में टोटल 84 स्टॉल्स हैं। सर ये हमारा ब्रांड है सर, फ्रेंचाइजी बताओ, हम लोगों को बिजनेस दिलाने का काम करते हैं, जो लोग बिजनेस नहीं कर सकते सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाए। तो दोस्तों ऑल्सो होलिस्टिक एंड बिजनेस एग्जीबिशन में अभी हम आए एपी नट्स में, जहां पर आपको अलग अलग नट्स नज़र आ रहे होंगे। आखिरकार क्या खास बात है इन हरे, पीले, ऑरेंज और ब्लैक नट्स में, आखिरकार क्यों ये इतने स्पेशल है कि हर कोई जो भी यहां आ रहा है इनको टेस्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ यहां से परचेज करके भी जा रहा है। हम इनके फाउंडर से भी जानेंगे। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और ये कंपनी क्या करती है। यस, सो मेरा नाम है अमिया ठाकुर, और एपी नट्स बेसिकली फ्लेवर्ड कोटेड आलमंड्स एंड कैजूस में डील करती है। जो अभी फिलहाल हम लोग आलमंड्स एंड कैजूस को कोट कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग हेजल नट्स एंड पीनट्स को कोट करेंगे। सो बेसिक पर्पज़ ऐसा है कि हम लोग जो नेचुरल नट्स खाते हैं, जो जिसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इसको आप पड़े रहने दोगे तो भी वो डैमेज हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिशंस डैमेज हो जाएंगे। हमारा पर्पज़ ऐसा है कि हम लोग फ्लेवर्स भी ऐड करें जिसको आपको खाने में मतलब अच्छा भी लगे, हमारे मुंह को, हमारे टेस्ट को भी अच्छा लगे, हमें टेस्टी भी लगे, और उसके न्यूट्रिशंस भी हम लोग रिटेन रखे, जिससे मतलब आप 6 महीने तक भी खाते हो, 6 महीने बाद भी खाते हो तो यू विल गेट द सेम न्यूट्रिशंस। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशंस को लॉक किया है, साथ में हमने फ्लेवर्स को ऐड किया है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि काजू और बादाम में जो उनकी ओरिजिनल टेस्ट है और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो रहेगी, साथ में एक एडिशन जुड़ जाएगा टेस्ट का।
तो आखिरकार कौन कौन से फ्लेवर है, मैं चाहूंगा पहला फ्लेवर बताएं लोगों। सो हमारे पास राइट नाउ 13 फ्लेवर्स है बेसिकली। 13 फ्लेवर आपके पास? यस। सो 13 फ्लेवर्स एंड वी आर डेवलपिंग मोर एंड मोर फ्लेवर्स। जैसे हमारे पास बेस्ट सेलर हमारे प्रोडक्ट्स है, जिसमें हमारे पास कैजू में है, स्ट्रॉबेरी है, हमारे पास शाही गुलाब है, हमारे पास पान फ्लेवर है जो हमारे बेस्ट सेलर है, जो ऑरेंज फेंटा है जो सबसे ज्यादा सबको अच्छे लगते हैं, जिसके फ्लेवर्स भी अच्छे हैं और बच्चों को खास करके बच्चों को भी काफी अच्छा लगता है कि जो रूटीन में चॉकलेट्स खाते हैं उनको मतलब जैम्स या चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं, तो ये कलरफुल चीजें अच्छी रहती है कि जिससे लोगों को खाना अच्छा लगता है। कौन सा फ्लेवर है सर? सो दिस इज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर फ्लेवर है। ओके, तो ये काजू में काजू का फ्लेवर आएगा या ब्लैक पेपर का आएगा? इसमें ब्लैक पेपर का फ्लेवर आएगा, लेकिन अंदर जो कंटेंट आएगा जो रियल रियल नट है, जो आपको पहले ब्लैक पेपर फील होगा उसके बाद आपको रियल काजू का टेस्ट आएगा। तो ये ब्लैक पेपर हो गया, तो इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी है क्या? इसमें बादाम में वी आर हैविंग चॉकलेट फ्लेवर। अच्छा, बादाम में चॉकलेट फ्लेवर भी है, तो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उसकी जगह ये बिल्कुल खा सकते हैं, आलमंड चॉकलेट खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप कहाँ कहाँ अवेलेबल है, लोग कैसे आपसे परचेज कर सकते? सो अभी हम लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हमारे खुद के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, और हम लोग जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पे है, हम लोग अमेजोन पे नेक्स्ट वीक में एंटर होंगे कि हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे भी मिलेंगे। एंड अभी हम लोग वी आर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर इन लोकल रीजन, मतलब गुजरात में भी कर रहे हैं, एंड हम लोग वी आर सर्चिंग फॉर मोर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लोग आपसे जुड़ सकते हैं और उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। जैसे कि फ्रेंचाइजी बताओ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लोग नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो यहां पर आपको फ्लेवर्ड काजू बादाम और अलग अलग आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मिलने वाले हैं विद एपी नट्स। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या कंडीशन रहता है सर। सो नॉर्मली हमारे MRPs हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, सो डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग 30-35% के डिस्काउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर करते हैं। सो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वी कैन डिलीवर द मटेरियल टू देयर डोरस्टेप, एंड वहाँ से दे कैन सेल विद देयर सेल्स टीम, एंड हम लोग सेल्स सपोर्ट टीम भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे टीम प्रोवाइड भी करते हैं जो सेल्स सपोर्ट करेगी। अच्छा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा कि एपी नट्स जो इतना डिलीशियस और फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट दे रहा है, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे? फिलहाल हम लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेजेस पे हैं, हमारे एड्स स्पॉन्सर्ड एड चलते रहते हैं, तो हम लोग उसके बेस पे हम लोग लोगों के मतलब रीच तक पहुंचते हैं। एंड उसके अलावा हम लोग अमेजोन पे भी रहेंगे, वहाँ पे भी हमारे लिंक्डइन पर भी हम लोग है। सो वी आर डूइंग द मार्केटिंग ऑन द सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग मार्केट में है, एंड वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर प्रेजेंस। अभी पैकेजिंग भी दिखाएंगे, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है टेस्टिंग वाला है, टेस्टर्स हैं तो सारे के सारे, तो आपकी पैकेजिंग कैसी कैसी है? ओके, पैकेजिंग सर ये 100 ग्राम्स पैकेजिंग में अवेलेबल है राइट नाउ, 100 ग्राम्स में। एंड वी आर कमिंग अप विद 200 ग्राम्स पैकेजिंग आल्सो, 100 ग्राम्स में वी आर हैविंग द जार पैकिंग, फॉर 200 ग्राम्स वी आर हैविंग पाउच पैकिंग, दैट विल बी अ जिपर पैक। अच्छा, ये मैं दिखा देता हूँ दर्शकों को, आप देखिए कितनी सुंदर पैकेजिंग है, पैकेजिंग हर तरीके से ध्यान रखा गया है, जैसा एक बड़े ब्रांड में और MNC ब्रांड में होता है ठीक वैसी ही पैकेजिंग है। क्या आपका मिशन और विजन क्या है सर? सर हम लोग मैक्सिमम घरों को घर में पहुंचना चाहते हैं कि जहां पे न्यूट्रिशंस, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि लोग आलमंड्स या नट्स को खाते हैं तो वो न्यूट्रिशंस के लिए खाते हैं रादर देन स्नैक्स एज अ टमी फिलर। सो हम लोग मैक्सिमम घरों में पहुंचना चाहते हैं कि जहां पे हम लोग न्यूट्रिशंस दे पाए, उनको रियल वैल्यू दे पाए काजू एंड बादाम की, मतलब नट्स की रियल वैल्यू उनको मिल पाए। सो दिस इज आवर मिशन। आप अपनी वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया लोगों को बताना चाहें जहाँ से लोग आपसे कनेक्ट कर सकें? यस सर, सो हमारी वेबसाइट है www.epicorehealthcare.com। सो एपिकोर हेल्थ केयर मेरे हमारी कंपनी का नाम है, एंड वी आर हैविंग द ब्रांड नेम इज एपी नट्स। और आपकी कंपनी है कहाँ की सर? ये सर हम लोग अहमदाबाद बेस्ड है, हमारा अहमदाबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर ओड विलेज में हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे ये चीज़ें सारी आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? 100% इन हाउस। अच्छा, आपने बताया कि 6 महीने तक इनको कुछ नहीं होगा? यस, 6 महीने की सेल्फ लाइफ रहने वाली है। यस। और टेस्ट में कितना फर्क आ जाएगा? 6 महीने कुछ भी फर्क नहीं आएगा सर, दैट रिमेन सेम। हम लोगों ने उसके स्टेबिलिटी चेक करवाए, हम लोग पिछले 12 महीने से करीब करीब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सो उसके जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स है, जितने भी रिपोर्ट्स है, एक्सटर्नल लेबोरेटरी से हम लोगों ने टेस्ट करवाए, रिटेन सैंपल रखे हम लोगों ने टेस्ट करवाए, सो द एंटायर प्रोडक्ट इज़ गुड। सो आप 6 महीने तक उसको बिल्कुल आराम से खा सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी इश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। सो दोस्तों, आज हमने आपको बताया एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस है फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स का। अभी इनके पास बादाम और काजू में अलग अलग फ्लेवर अवेलेबल है, पान भी है, चॉकलेट भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, और भी कई सारे फ्लेवर हैं। इनके सारे फ्लेवर्स के बारे में जानना है आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको अमेजन पर भी मिल जाएगा। और मैं सिर्फ पर्सनली इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया का ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड है और बेहतरीन काम कर रहा है, तो आप इनके प्रोडक्ट को टेस्ट करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस
बिजनेस को मैं कर सकता हूँ, तो आप इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी अपने शहर में ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों ऑल्सो हॉलिस्टिक एंड बिजनेस एग्जीबिशन में अब हम हैं माफिया में। जी हाँ दोस्तों, ये माफिया किस चीज़ का ये जानते हैं और यहाँ आपको क्या मिलने वाला है खास, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जानना चाहूँगा आखिरकार माफिया करता क्या है? माफिया एक अहमदाबाद बेस्ड रेडीमेड गारमेंट स्टोर है फॉर मेंस। हाँ जी। माफिया नाम इस वजह से है कि यूथ को हम रिगेट करते हैं, अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट बिल्कुल उसकी वजह से है। अहमदाबाद में फिलहाल हमारे 6 से ज़्यादा स्टोर्स है। 6 स्टोर ऑलरेडी अहमदाबाद में है आपके? कहाँ से है? ये वस्त्रापुर, साहिबाग, साबरमती एंड मेन जमदा के इलाके है। वहाँ पे अहमदाबाद, आउट ऑफ अहमदाबाद कलोल एंड बड़ोड़ा पे हम लोकेट करते हैं। सर अभी आप माफिया में किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या क्या? टोटली मेंस वेयर रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जीन्स शर्ट, टी शर्ट्स लेकर मेंस एक्सेसरीज एंड कंफर्ट शूज़ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर्मल सेक्शन से कैजुअल से लेके नाइट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। और प्राइस रेंज कहाँ से शुरुआत होती है? प्राइस रेंज बहुत इकोनॉमी हमने मेंटेन करके रखते हैं। आप हमारा जो शर्ट की रेंज है वो 600 से लेकर 1200 तक आपको मिल जाएगा। जीन्स हमारे 1000 से लेकर आपको 2000 तक के जीन्स मिल जाएंगे। टोटली आप हर एक चीज़ में मार्केट से कम प्राइस में आप यहाँ पे हमें परचेज कर सकते हो अपनी चीज़ें। देखते भी हैं यहाँ पर, हमने देखा है कि स्टोर बहुत ही शानदार इन्होंने सजा रखा है। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरी पजामा की पूरी रेंज है, उसके बाद ये टी शर्ट्स की रेंज है। टी शर्ट की रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है सर? 400 से सर। 400 रुपये से 400 स्टार्ट हो जाती है। 1000 तक हमारी रेंज बनी रहती है। कलर कॉम्बिनेशन से आप देखिए डिज़ाइन सर, कलर कॉम्बिनेशन और कपड़े की भी क्वालिटी जो है, ये क्या कपड़ा है सर कुछ बताएंगे? सर ड्राई फिट मटेरियल से रहता है, स्पोर्ट्स में यूज होता है सर। स्पोर्ट्स में यूज? बिल्कुल सर। सो आप थोड़ा सा हमारे इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जीन्स की वैरायटी नजर आएगी। जीन्स में साइजेस क्या होंगे? जीन्स में सर मेरे पास 28 से लेके हम 50 साइज तक काम करते हैं सर। अच्छा। और उसमें सर आपको बेल बॉटम से लेके जो भी लेटेस्ट स्टैंड होता है, मॉम फिट रह गया, बेगी फिट रह गया, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। नैरो चाहिए तो नैरो चाहिए, लेंथ में हर चीज़ जो भी आप यूथ को नीड है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर्स पे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ आप लोअर टी शर्ट जीन्स में डील कर रहे हैं बल्कि एक्सेसरीज भी हैं आपके पास। फुल रेंज मिलेगी आपको यहाँ पे, बैग्स, ऑफिस बैग से लेके लैपटॉप बैग्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे बैग्स भी आपको मिलेंगे प्योर लेदर में? प्योर लेदर बैग रहेगा सर। प्योर लेदर में? बिल्कुल सर। बेल्ट्स भी होंगी और एथनिक वेयर सेक्शन है यहाँ पे सर आपको मिल जाएगा। ओके, एथनिक वेयर भी यहाँ पर सारा अवेलेबल है यहाँ पे आप देख रहे हैं। जी सर, मोदी कोटी वगैरह आपको जो भी ट्रेंड्स में है बिलाल वो भी, जैकेट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, ब्लेजर, कैजुअल, फॉर्मल्स सारे मिल जाएंगे। अच्छा, कोई अगर आपसे जुड़कर फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? यार इंटरेस्टेड इन, हम आपको फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ शेयर करेंगे आपके साथ, जहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इजिली। एंड बहुत सिंपली प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का। माफिया से कोई कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट करेंगे वीडियो देखकर लोग आपसे? बिल्कुल, हम हमारा ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए अपने व्यूवर्स को। सो हम ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे आप उनको शेयर कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दे दूंगा, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के जरिए, इनके नंबर के जरिए आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनके अहमदाबाद के स्टोर्स में आकर एक बार इनका कपड़ा ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि यहाँ पर कुछ कमाई आ सकती है तो आप अपने शहर में इनकी फ्रेंचाइजी भी लेकर जा सकते हैं। आज हमारे साथ माफिया से सुदर्शन राजपुरोहित जी थे, इन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ नजर आ रही होंगी। आखिरकार ये है क्या और इनका क्या महत्व है, ये जानेंगे हम आज इस स्टॉल में। मिलते हैं यहाँ पर स्टॉल के ऑनर से और जानते हैं कि आखिरकार ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर आप मुझे बताएंगे सर, ये आखिरकार सुंदर सुंदर दिखने वाली चीज़ें क्या हैं? एमेटिस जीवर्ड बोलते हैं इसको। ओके। वो माइस में निकलता है और ये इस्तेमाल शो पीस के लिए रखना पड़ता है। और उरुबाई का माइस का पत्थर ये। ओके। उरुबाई का माइस में उधर से चलेंगे और क्या क्या चीज़ें? हाँ ये भी है, ये छोटे पॉइंट है, इसमें है ना बड़े बड़े पॉइंट है। ये इतना ये ओरिजिनल है या बनाया हुआ है? नेचुरल पीस है, खाली नेचुरल पीस है, खाली पॉलिश किया हुआ है, बाकी अंदर नेचुरल पीस है पूरा, अंदर पूरा नेचुरल पीस है। और ये कितने का है सर ये पीस? 5 लाख का पीस है। 5 लाख का ये पीस है। और ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये बड़ा ये क्या है? नेचुरल निकला हुआ है, खाली हमें स्टैंड रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमने नाम पढ़ा है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि ये तीन मुंह इनके निकला है, अंदर से पूरा भरा हुआ है। अच्छा, ये जो अंदर ये इतना सुंदर सुंदर, ये मतलब ओरिजिनल है सारा? ओरिजिनल नेचुरल पीस है। ये क्या आखिरकार ये जो दिख रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इन पत्थरों को? ये एमेटिस बोलते हैं। एमेटिस एमेटिस। हाँ। और ये क्या फायदा क्या होता है इनका? ये फायदा क्या होता है, शो पीस के लिए रखेंगे, कोई मकान बनाए यहाँ पर बना, इसके लिए रखना पड़ता है, एनर्जी के लिए पॉजिटिवली ये होता है, एनर्जी खेपने के लिए होता है, मनी के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये बहुत सारे आपके पास डिजाइन है अलग 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 भी है, सूट के लिए है।
अच्छा बर्ड्स भी, ये बर्ड्स कौन से पत्थर के हैं? मल्टी में सब एंजोलाइट है, ब्लैक टूरमुलिन है, के क्रिस्टल है, सब मिक्स में मिलेगा। और ये जो ऊपर ट्री है, ये ट्री है, ये एमेटिस है, एमेटिस ट्री बोलते हैं इसको। ये ट्री कितने का है? ये 300 रुपए का है। अच्छा ये ट्री 300 रुपए का है, सब मतलब 300 रुपए से आइटम शुरू होके आपके पास 300, 900, 1600 ये झाड़ मिलता है। अच्छा और ये नीचे क्या है ये पत्थर? ये स्टोन है, फटिक है। ओके, मतलब आपके पास 300 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की आइटम है? ये 11 लाख का मूर्ति है। अच्छा ये जो राधे कृष्ण जी का है, ये बटरफ्लाई है ना, हाँ वो 5 लाख का है। अच्छा अच्छा, बटरफ्लाई जो है वो 5 लाख रुपए का है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं ये एमेटिस पत्थर है और ये नेचुरल है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से इन्होंने नाम दिया है क्योंकि तीन अलग अलग मुंह हैं इनके। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि जैसे मैन मेड है, लेकिन मैन मेड नहीं है, ये प्योर ओरिजिनल है, नेचुरल से निकला हुआ है। कहाँ से निकलते हैं पत्थर? ये जर्मनी से निकला है, जर्मनी का है ये पीस। ठीक है, आप ये देखिए कलर भी इसमें अलग अलग है और ये जितने भी कलर है सारे नेचुरल कलर है और नेचुरल कलर होने के साथ साथ इनको देखने से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पीस है, जो बटरफ्लाई आपको नजर आ रहा है ये बनाई नहीं गई है, ये कुदरत से निकली है। ये दो अलग अलग पत्थर है, एक नहीं है, ये दो अलग अलग पत्थर है। इस तरीके से रख दिया गया है कि ये बटरफ्लाई बन गया है। स्टैंड जरूर बनाया गया है इन पत्थरों को रखने के लिए, लेकिन जब आप इनको रखे हुए देखेंगे तो इनकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, इनकी एनर्जी आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगी, ऐसा इनका मानना है और ऐसा इनका कहना है। तो आखिरकार ये पत्थर किस तरीके से आपके जीवन में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, ये जानकारी लेनी है तो आपको ऐसे एग्जीबिशन में आकर इन लोगों से मिलना है, इनसे बातचीत करनी है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपके आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, ऑल्सो होलिस्टिक एंड बिजनेस एग्जीबिशन को कवर करते हुए अभी हम आए हैं खेतेश्वर रुद्राक्ष में। हम जानेंगे कि रुद्राक्ष आपके जीवन में किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं और इसके लिए हमारे साथ इस दुकान के ऑनर हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर आपका नाम क्या है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम मोती सिंह राजपुरोहित है, फाउंडर ऑफ खेतेश्वर रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी प्रहलाद नगर अहमदाबाद से। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा रुद्राक्ष मतलब रुद्र का रूप, शिव जी का रूप, बिल्कुल इसकी क्या मान्यता है और लोग रुद्राक्ष क्यों धारण करते हैं? रुद्राक्ष का नाम आते ही लोगों के मन में एक तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी और एक आध्यात्मिक टाइप का एक अंदर से भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत पवित्र चीज़ है। शास्त्रों में भी बहुत सारे वर्णन किए हैं, शिव महापुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर भी इसके काफ़ी सारे श्लोक देखने को मिलते हैं। और आपने देखे होंगे कई सारी मूवीज़ वगैरह में जो ऋषि मुनि वगैरह जो पहले बताए गए थे, तो उनके गेटअप के अंदर उनके गले में हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं और ब्रेसलेट पहने होते थे। तो आज से कुछ समय पहले, अगर मैं कहूँ 30 से 40 साल पहले, ओनली ऋषि मुनि ही यूज करते थे रुद्राक्ष। जो सांसारिक जीवन में जो लोग अपनी लाइफ को जी रहे थे वो लोग रुद्राक्ष के महत्व से दूर थे, उनको पता नहीं था। जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों को पता चला, लोगों को रुद्राक्ष के प्रति अवेयरनेस रही, तो रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेके बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी आए हैं इस फील्ड में। तो रुद्राक्ष की स्टडी करने गए तब पता चला कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसकी तरफ मैं लेके चलता हूँ। ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार जो पुराणिक जो कथाएं हैं उसमें ऐसा बताया जाता है, महादेव जी ने मैनी ईयर्स तपस्या की थी, मेडिटेशन में थे, जब उन्होंने अपनी आईज ओपन की तो उनकी आंखों से अश्रु बूंद गिरे धरती के ऊपर। जिस जगह पे वो बूंद गिरी वहां पे पेड़ उत्पन्न हुए, उस पेड़ के ऊपर फ्रूट लगे, फ्रूट को जब पीलिंग किया गया तो उसके अंदर से रुद्राक्ष निकले। तो रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है वो शिव से है, रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी भगवान शंकर के आंसू, तो रुद्र और अक्ष को मिला के रुद्राक्ष बनाए। तो मेन डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई और इसकी जो बेनिफिट्स है बहुत सारे अलग अलग, जैसे स्कंद पुराण के अंदर आपको देखने को मिलेगा, शिव महापुराण ग्रंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह के अलग अलग श्लोक में, और उसमें तो कई प्रकार के, जैसे शिव महापुराण अगर आप कभी सुनेंगे तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी का अलग अलग वर्णन मिलेगा। मुखीज कैसे डिफाइन होते हैं? हाँ, मैं चाहूंगा आप कुछ चीजें दिखाएं, आपके पास क्या खास है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा। मुखीज का अगर मैं कहूँ तो जैसे ये रुद्राक्ष है दोस्तों, इसके ऊपर ये 5 लाइन बनी हुई है, इट मीन्स ये 5 फेस है। अगर इसके ऊपर 4 लाइन बनी हुई है तो ये 4 मुखी रहता है, 6 लाइन बनी हुई है तो 6 मुखी रहता है। तो ये रुद्राक्ष का इस तरह से आप डेफिनेशन कर सकते हैं, जितनी उसके ऊपर धारियां बनी हुई रहती है उतने वो मुखीज कहलाता है।
सपोज इसके ऊपर चार धारी बनी हुई है, सपोज इसके ऊपर पांच धारी बनी हुई है या आठ धारी बनी, जितनी धारियां बनी हुई उतने मुखी से। ओके जी, तो सभी रुद्राक्ष के अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी रुद्राक्ष धारण करके आप हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड पावर ले सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। जैसे एक मुखी है सूर्य के लिए काम करता है, दो मुखी चंद्र के लिए काम करता है, तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप मंगल ग्रह को बलवान कर सकते हैं। सबसे बड़ी एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, सारे रुद्राक्ष के बेनिफिट बताने से पहले, जब भी आप जेमस्टोन धारण करते हैं तो आपकी बर्थ चार्ट में सजेस्टेड है तो आप वेयर करेंगे तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। अगर सजेस्टेड नहीं है, ज्योतिष या किसी भी माध्यम से आपने जानकारी ली है, मैथमेटिक्स अगर रॉन्ग हुआ या कुछ प्लस माइनस हुआ तो जेमस्टोन आपको एक बार नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, बट रुद्राक्ष आपको कभी भी हार्मफुल नहीं करेगा, ऑलवेज आपको पॉजिटिव इफेक्ट देता है। आप जब भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं आपकी बॉडी के अंदर ऑरा को क्लीनिंग करने का काम करता है और आपकी बॉडी से कनेक्टेड हो जाता है। कनेक्टेड होके आपको बहुत सारे बेनिफिट उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो बस मेन बात यही है कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। और अलग अलग मुखी में जैसे मैंने बताया आपको एक से तीन का बताया, उसी तरह से चार मुखी होता है। चार मुखी रूलिंग प्लैनेट अगर मैं कहूँ तो मर्क्यूरी रिलेटेड होता है, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में हैं उनके लिए चार मुखी बहुत उत्तम है। पांच मुखी का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को अगर आप बलवान करना चाहते हैं तो पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। सिक्स मुखी वीनस के लिए माना जाता है। शुक्र प्लैनेट रिलेटेड अगर आपको कोई पावर बैलेंस करना हो तो आप छः मुखी या तेरह मुखी, दोनों ही वीनस के रिलेटेड माने जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं कहूँ आपको सात मुखी महालक्ष्मी के लिए माना जाता है। और सैटर्न प्लैनेट रिलेटेड अगर आपको कोई भी पावर बैलेंस करना हो तो आप सात मुखी रुद्राक्ष का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं। आठ मुखी राहु के लिए, नौ मुखी केतु के लिए, दस मुखी, क्योंकि सारे बेनिफिट डिटेल में बताऊं काफी लंबा वीडियो जाएगा तो आपके चैनल के माध्यम से वन टू वन जरूर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको लेकर आएंगे अपने स्टूडियो में और जानेंगे कि रुद्राक्ष के पूरे उपाय क्या होते हैं। अभी बहुत टाइम चाहिए सर, अभी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से लोगों की मदद करता है। जी, हमारा मेन मोटिव है, हमने जब इस फील्ड में हम आए थे 2009 के अंदर तो हमने देखा मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष के वेंडर्स हैं, वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष की नॉलेज किसी को है नहीं बेसिक। अभी कस्टमर लेने जा रहा है रुद्राक्ष, उसको कुछ पता ही नहीं, वो डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमने ध्यान में देखते हुए हमने रुद्राक्ष के ऊपर पूरा स्टडी किया और हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए और लोगों तक उसकी जानकारी दी। ओरिजिनल रुद्राक्ष कैसा दिखता है, किस तरह का होता है, कितनी लाइनिंग होती है, कितने मुखीज होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ओपन में रख दी। तो जब से कहते से रुद्राक्ष के माध्यम से हमने लोगों को जानकारी दी, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हैं। वर्ल्ड वाइड हमारा क्लाइंट बेस है, हमारा मेन जो ऑफिस है अहमदाबाद के अंदर है, सेकंड ब्रांच हमारी सूरत में है, गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, और यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है। दोस्तों अगर आप आउट ऑफ इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में आप रहते हैं तो सभी जगह हमारा सर्विस अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप तो वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल देने की गारंटी हमारी। क्या कोई सर्टिफिकेशन भी होता है? बिल्कुल, सभी रुद्राक्ष के साथ एक आपको ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड देते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल मेंशन होती है, कितना मुखी है, ये कहाँ का है, इसका साइज क्या है, इसका वेट क्या है, इसका एमएम साइज क्या, एवरीथिंग रुद्राक्ष की सारी इन्फॉर्मेशन हम सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन कर देते हैं। वेबसाइट या कोई नंबर से? जो वेबसाइट है www.khetesurrudra.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, रुद्राक्ष के विषय में सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको देता हूँ, ऑफिशियल नंबर है जो 8888990399, इस नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और एक सर्विस आपको और देंगे दोस्तों, अगर आपको जानना है आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे कौन से रुद्राक्ष का कवच पहनना है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर हमने नोट डाउन करवाया वो नोट डाउन, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। उसके अलावा आपके पास कोई रुद्राक्ष हो जिसके बारे में आपको जानना हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ उसका फोटो वीडियो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, हमारे एक्सपर्ट हम पूरा चेक करके आपको बताएंगे, जितना पॉसिबल है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस पूरी जानकारी के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेकर आया हूँ BNHH, भारत नेचुरल एंड होलिस्टिक हेल्थ में, जहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपना इलाज भी करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है BNHH इंस्टीट्यूट से भरत भूषण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। इस ऑल्सो होलिस्टिक एग्जीबिशन में सर आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं और आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, हम यहाँ पे एस्ट्रोफेयर YMCA अहमदाबाद के अंदर बिना दवा से कैसे फिट रहा जाए वो सर्विसेज दे रहे हैं। आज एक नई सर्विसेज हमने ऐड ऑन किया,
signature analysis with a numerology and tarot, which is a nobody in the world. ये combination कोई दुनिया में नहीं कर रहा कि signature के साथ tarot और tarot के साथ numerology, astrology, इन चारों को blend करके जो पेश कर रहे हैं, I think पूरी दुनिया में हम ही पेश कर रहे हैं और एक नायाब चीज है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफी सारे इलाज भी कर रहे हैं इसके बारे जैसे में। जैसे कि मैंने बोला बिना दवा से कैसे फिट रहना, हाँ जी, ये सारी विद्याएं, ये सारे होलिस्टिक हीलर जो अलग अलग विद्याओं के साथ, कपिंग है हमारे पास, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, ब्रेन योगा, मर्मा थेरेपी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो रीडिंग, जीबू साइन, एंजल हीलिंग, देयर आर सो मेनी थेरेपी विच वी आर डूइंग इन एस्ट्रोफेयर एसजी, दैट्स वाईएमसी क्लब। सर, इस क्लब के बाद अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता? हमारा फोन नंबर, इन केस ऑफ एनीबडी वांट टू हैव अ वर्ड विद अस, हमारा फोन नंबर 9911472822, आई रिपीट 9911472822, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल सब कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी बैक विद यू विद अ लॉट ऑफ यू नो रिप्लाई एंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच सर, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना अच्छा बोलते भी हैं और मजा आया सर आपके साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।